प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरित होकर समाज सेवी डॉक्टर अजय एल दुबे ने 6 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करने वाली छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन प्रारंभ किया। पिछले 2 सालों में कोरोना संक्रमण के चलते बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं हो पाए, परंतु इस वर्ष ट्रस्ट ने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। 24 जुलाई को मीरा रोड के वातानुकूलित शहनाई सभागृह में आयोजित भव्य कार्यक्रम मुंबई थाने तथा पालघर जिले से आए करीब 300 मेधावी छात्राओं को ट्रॉफी तथा सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथियों के रूप में मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, भाजपा जिला अध्यक्ष एड रवि व्यास, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा प्रवक्ता श्वेता शालिनी, समाज सेवक रामपाल, समाज सेवी डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह, नगर सेवक मनोज राम नारायण दुबे, नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल, नगर सेवक विजय राय, नगर सेविका नीला सांस, नगर सेवक दरोगा पांडे, चंद्रकांत मोदी, दिल्ली से आए सुमित सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शिव पूजन पांडे, पत्रकार राजेश उपाध्याय, पत्रकार अमित तिवारी, पत्रकार सोनल सिंह, एड राजकुमार मिश्रा, ब्रजेश तिवारी, डॉक्टर सरिका रॉय, एडवोकेट श्वेता तिवारी, मुन्ना पटेल, सुशील यादव समेत अनेक गणमान्य लोगों ने उपस्थिति रहकर बेटियों के हौसला अफजाई की। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हर माता पिता कोशिश करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छी शिक्षा ले और उनका भी नाम गौरव करे, शहर का नाम गौरवित करे, देश का नाम गौरवित करे। सभी का रिजल्ट आया है तो अजय दुबे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हर साल उन बच्चों को फेलिसिट किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप जीवन में यहाँ तक आगे बढ़े हो, अब आप सेकेंड जर्नी की तरफ जा रहे हो, कोई डिग्री की तरफ जाएगा तो कोई साइंस या कॉमर्स की तरफ जाएगा, तो अच्छे से सिलेक्ट करें और इसी तरह आगे बढ़े जीवन में, इसलिए इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं आज भी आज यहीं पे उनके कहने पे सभी बच्चों को शुभकामनाएं देने आया था, उनका अभिनंदन करने आया था, तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को दिल से अभिनंदन करता हूँ और सभी हमारे शहर के बच्चे जो अव्वल आए उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। बच्चों को सम्मानित करना है यानी जिन्होंने इतना सुंदर परफॉर्मेंस किया है उनको सम्मानित करना यानी उनको प्रोत्साहित करना, तो ये काम बहुत अच्छी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूरी टीम कर रही है। अजय जी को तो मन से धन्यवाद दूंगी, अभिनंदन भी करूंगी, पूरी टीम की मेहनत आज के इस सुंदर आयोजन में दिख रही है, उनको भी दिल से धन्यवाद। और सभी बच्चियों के लिए आज एक विश करती हूँ कि उनके कैरियर में वो बहुत आगे बढ़े और सफलता के वो उच्चतम शिखर को छुए जिनकी उन्होंने कल्पना की। देखिए, मैं तो अभिनंदन देना चाहूँगी पूरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम को, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी बेटियाँ जब इस तरीके से देखती हैं कि उन बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने कुछ अचीवमेंट दिखाई है, तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है और खासम खास प्रेरणा मिलती है उनके माता पिता को। क्योंकि आज मैंने मंच से ये बात कही है, मैं फिर दोहराना चाहती हूँ, मुझे ये विश्वास है कि अगला नेतृत्व चाहे देश का हो या किसी भी सेक्टर का हो, इंडस्ट्रीज़ का हो, चाहे आप डिफेंस में देखें चाहे आप टेक्नोलॉजी में देखें, अगला नेतृत्व हमें महिलाओं से मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं हर वो कार्यक्रम
जो आज की युवतियों को प्रोत्साहन दे रहा है वो नेतृत्व में जुड़ रहा है, जोड़ रहा है और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। इसलिए मैं पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। इट्स एक्सट्रीमली वेल डन। आई लव द वर्क दैट दे आर डूइंग। आई लव द चिल्ड्रेन दैट दे हैव शॉर्टलिस्टेड। मैं आशा करूँगी कि ये आवाज़ हर बेटी तक पहुँचे कि अब बेटियाँ जाग चुकी हैं, समय वो आया है कि अब कुछ कर दिखाना है। हम 6 वर्षों से कर रहे हैं, उनके साथ में राजेश मिश्रा जी थे और अभी धर्मेश जोशी जी आ गए हैं। इस संस्था का कल्याण ही होना है और उपाध्यक्ष थे, अब कार्यकारी के अध्यक्ष बने। जैसे मैं आत्मनिर्भर का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है, ये भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने। बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और ये संस्था आगे चलने वाली, इसमें सब लोग बहुत ही मेंटेन के चलने वाले हैं, कोई बहुवाद करने वाला नहीं है और संस्था टोटली सेवा के लिए काम करती है और कन्याओं के लिए शुरू से दृष्टि है और उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का इनका व्यवधान नहीं होता है। हमारे इस शहर के भविष्य हैं निश्चित तौर पे। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, अजय दुबे जी तथा उनकी पूरी टीम जो है, जिस तरीके से सालों से इस शहर में काम करते हैं, वो एक प्रेरणादायी है। और बच्चे जब यहाँ से पुरस्कृत होकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल और बढ़ता है। आगे चल के उनको ये लगता है कि मैं जो परसेंटेज लाता हूँ, जो अचीवमेंट अपने एजुकेशन में या अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं वो, तो उनके पीछे एक हौसला रहता है कि नहीं, मुझे मैं और अच्छा करूँगा तो आगे चल के मुझे और भी बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और अपने शहर में, अपने लोकल एरिए में अगर ऐसी संस्थाएँ जो है बच्चों का मनोबल बढ़ाती है और स्पेशली बेटियों का मनोबल बढ़ाते हैं, तो आगे चल के हमारे शहर का गौरव और बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था 2016 में स्थापित हुई एक पवित्र उद्देश्य के साथ, और उस पवित्र उद्देश्य को लेकर के डॉक्टर अजय दुबे और उनके सभी सहयोगी आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं, अच्छा अंक ला रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। इससे समाज में बहुत बड़ी प्रेरणा का एक प्रचार प्रसार होता है और दूसरे बच्चों को भी मेहनत करने, परिश्रम करने की एक तो हौसला अफजाई होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट जो संस्थापक है अजय दुबे जी, उनके द्वारा गत कई वर्षों से ये किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। एंड वी रियली फील प्राउड। मतलब ये सिर्फ अभी उनकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट बच्चों की नहीं है और या परिवार की नहीं है, पूरा मीरा भाईंदर आज बेटी बचाओ के कारण प्राउड फील करता है कि हमारे शहर से इतनी बेटियाँ इतने अच्छे नंबरों से हमारे शहर का नाम रोशन कर रही हैं। कि हर किसी को अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मंच है, ये उन सपनों को उड़ान भरने में डेफिनेटली एक पुशअप जो बोलते हैं स्टार्ट बटन दे रहा है। अब इनको अगला पड़ाव है, इनको अपनी पसंद का करियर सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को पाना है। तो ये जो अपने जो दुबे जी हैं, इनका जो इनिशिएटिव है खासतौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट और इनका जो इनिशिएटिव है वो ऐसे आगे बढ़े, लोगों को प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके। मैं आपको ज्ञात हो कि काशियाना फाउंडेशन विगत 8 वर्षों से नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर काम कर रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि सारे काम सरकार करे ये संभवतः पॉसिबल नहीं है। इसके लिए समाज के लोगों को आना होगा, इसके लिए देवियों को आना होगा, मतलब महिलाओं को, इसके लिए धर्मेश जी जैसे महान व्यक्तित्व के लोगों को आना होगा। आगामी धर्मेश जी हमारी संस्था के प्रेसिडेंट बने इस पूरे मुंबई महानगर पालिका के, इनको मैं साधुवाद और बधाई भी देना चाहता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आदरणीय मोदी जी ने जो प्रचार किया था, उनका ट्रस्ट बनाकर डॉक्टर अजय दुबे जी ने जो काम किया है बहुत ही प्रशंसनीय है। और ऐसा मुझे लगता है, कोई विचार करने में मुझे लगता है पूरे देश में अजय जी के अलावा मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसे ट्रस्ट बनाया। हमारे धर्मेश जोशी जी है जो हमारे उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी गुजराती स्तर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया विशेष करके, और दुबे जी खुद आए थे कल, तो इसलिए मैं मुंबई से विशेष करके इस कार्यक्रम में आया हूँ। सबसे पहले तो मैं जैसे अजय जी ने कहा, हम बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका स्ट्रगल देख रहा हूँ। देखिए एनजीओ हर कोई इंसान खोल लेता है, मगर उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या विज़न रखना है, मैं हमेशा देख रहा हूँ कि भाई साहब कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आते हैं, अलग अलग विज़न से वो आते हैं, जो सोच सबकी है उससे कुछ अलग लेके आते हैं, जिससे कुछ अच्छा समाज में खोल जाता है और लोग उनको फॉलो करते हैं दूसरे लोग।
तो मैं समझ रहा हूँ कि उनका जो काम है बहुत सराहनीय है, और साथ में मैं भी जोड़ा हूँ एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट, और मेरा एक दूसरा पोस्ट भी है, भाजपा से भी मैं जुड़ा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उत्तर मुंबई जिला प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूँ। तो हम दोनों भाई मिलकर साथ में कुछ अच्छा एक प्रोग्राम लेने की हमेशा कोशिश करते हैं भाई, समाज को मजबूत बनाने के लिए, खास करके बेटियों को, जिनके बारे में कहा जाता है कि बेटियाँ अब तक उपेक्षित रही हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जिस तरह बेटियों को आगे बढ़ाने की संकल्पना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नया शब्द दिया समाज को, और उसी शब्द को लेकर प्रेरित होकर उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। तो खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो आदरणीय दुबे जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है, इससे समाज को मजबूती होगी और बेटियाँ जागरूक होंगी और बेटियाँ आगे बढ़ेंगी, और जब बेटियाँ समाज में आगे बढ़ेगी तो बिल्कुल समाज का जो समानता का दर्जा है समाज में वो बिल्कुल मेंटेन होगा। ये थैंक्स टू मिस्टर दुबे जी, उन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है। नॉर्मली अगर हम देखें तो बड़ों को मिस मिसेज ये अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बच्चों को ऐसे यंग जनरेशन को अभी तक किसी ने फेलिसिटेट नहीं किया है। ये सब करने से यू एनकरेज द किड्स मोर, यू नो, सो दे कैन परफॉर्म वेल एंड दे कैन डू मच बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग। ऑब्वियसली ऐसे प्रोग्राम्स होने से बच्चों को काफ़ी एनकरेजमेंट होता है और उन्हें बाकी बच्चों को भी लगेगा कि नेक्स्ट टाइम हमें भी ऐसा अवार्ड मिलना चाहिए। सो इट्स समथिंग वेरी नाइस दैट आई हैव लाइक्ड इट। प्रोग्राम करने से क्या होता है कि बच्चों का मनोबल बढ़ता है, बच्चों में उत्साह पैदा होता है, और आज अगर वो 90% 94% लाए कल 100% के चांस करेंगे। तो इन चीज़ों से क्या होता है, ये सब करने से कि बच्चों का मनोबल जो बढ़ाना होता है बहुत बड़ी बात है, और ऐसे प्रोग्राम हर आदमी को करने चाहिए। ये हमारी युवा पीढ़ी है, अगर इसके लिए हम सोचेंगे तो ये आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनेगा। पहले तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट के जो संस्थापक है, फाउंडर है अजय दुबे जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये हमारे मोदी जी ने जो एक सोच और इसके साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मूवमेंट हमारे देश में चला रखा, और अजय जी जैसे कार्यकर्ता और अजय जी जैसे समर्पित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के प्रोग्राम आयोजन करके, और उन्होंने हमारे समाज में मीरा भाईंदर में अपने आप में एक मुकाम हासिल किया है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक विचार एक सोच को जन्म दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के माध्यम से। निश्चित रूप से भारत के अंदर महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, बच्चियां आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ जो हमारे ग्रामीण भाग है वहाँ पर बेटियों को पढ़ाने की आवश्यकता उनके परिवार के लोग महसूस नहीं करते हैं। बेटियां जन्म लेती है लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए। तो बच्चियों की सुरक्षा के लिए उनके विकास के लिए मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोच का उन्होंने एक जन्म दिया, और उसी के नक्शे कदम पर हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था के अध्यक्ष आदरणीय अजय दुबे जी, जो कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल के भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कितनी खुशी मिली आज बेटियों को सम्मान से सम्मानित करने के बाद? मैडम मैं बोल नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी मिली है। बहुत हम लोग विगत एक महीने से तैयारी कर रहे थे, आज उसका परिणाम आप देख रही हैं। करीब 300 से 350 बेटियों को हमने फेलिसिटेट किया है, और पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हमारा कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, जबकि इसीलिए हम लोगों ने उसका परसेंटेज डाउन करके 70% रखा था। आपको बताना चाहते हैं कि हम 20 तारीख के रजिस्ट्रेशन का डेट रखे थे, काफ़ी 20 तारीख के बाद ही कम से कम 150-200 बच्ची आई थी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। मैं आपको बताता हूं मैडम कि आगे साल में यानी कि जितने भी साल होगा हो सकेगा हम लोग बेटियों को बुलाएंगे, उनका फेलिसिटेट करेंगे, उनका मनोबल को बढ़ाएंगे। मुझे ये जो भी
ये फंक्शन और इसमें बेटियों को सम्मानित किया गया है, उसमें भी जो अधिक से अधिक अंक लाकर पास करने वाले और भी क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले बेटियों को सम्मानित किया है, मुझे ये बहुत ही क्रिएटिव लगा। और पिछले 5 साल से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और इसमें जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और ये बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें जो सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, ये सच में एक क्रिएटिव पार्ट है बेटियों के लिए जो हमेशा उन्हें सपोर्ट करता रहेगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो ये हो रहा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही मैं नेपाल से हूँ और नेपाल प्रेसिडेंट के रूप में मुझे इस संस्था में रखा गया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और हमेशा ऐसे ही संस्था से हम सब जुड़े रहे। सबसे पहले तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम है। क्या कहें, ये तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। हमेशा की तरह हम लोग लगभग 4-5 साल से इस कार्यक्रम को, इस संस्था को चला रहे हैं। हमारे जो फाउंडर अजय एल दुबे जी हैं और मुंबई प्रेसिडेंट संजय मिश्रा जी, इन्होंने मुझे इसमें शामिल किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं बचपन से सोच रहा था कि कब कोई सोशल सर्विस में मैं अपना भागीदारी दूँ और ये मौका मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला। मैं ईमानदारी से और अपने कर्म से जितना हो सके देश का बेटियों के लिए जो हो सके मैं करूँगा।